खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव, लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ खबरें अब तक। आज खबरें अब तक में बात होगी कि यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर कैसे सियासी घमासान शुरू हो गई है। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी बात करेंगे, साथ ही आज सभी घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से जो आज राजनीति का हिस्सा रहे। लेकिन उससे पहले जरा डाल लीजिए आज की हेडलाइंस पर नजर। युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं, शांति के लिए वार्ता जरूरी, पुतिन से मुलाकात में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस के दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से चर्चा की। पीएम मोदी ने पुतिन से वार्ता के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है। मुंबई हिट एंड रन केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी महेश शाह गिरफ्तार। मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन केस में पुलिस को तीसरे दिन बड़ी कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र के विरार से पुलिस ने मुख्य आरोपी महेश शाह को गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस भगदड़ मामले में योगी सरकार का एक्शन, एसडीएम समेत 6 अधिकारी सस्पेंड। यूपी के हाथरस में बीते 2 जुलाई को साकार विश्वारी के सत्संग में मची भगदड़ में एसआईटी रिपोर्ट के बाद योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में स्थानीय एसडीएम सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से सहमत, पीएम मोदी के बयान पर रूस ने दी प्रतिक्रिया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर रूसी राष्ट्रपति ने प्रेस सचिव दमित्री पेस्कोव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक स्थिति का उनका गहन विश्लेषण हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। नई ऊंचाइयों पर शेयर बाजार, सेंसेक्स 80,000 तो निफ्टी 24,400 के पार। स्थानीय शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी लौटी। इस दौरान सेंसेक्स 391 अंक चढ़कर अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर यानी कि 80,351 पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 112 अंकों की बढ़त के साथ 24,433 के शिखर पर बंद हुआ। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज की वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। पश्चिम बंगाल से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़की की कुछ लोगों के द्वारा बेरहमी से पिटाई की जा रही है। लड़की पर 2 लोग ताबड़तोड़ डंडे बरसा रहे हैं और 4 लोगों ने मिलकर लड़की को पकड़ रखा है। इस घटना के लिए बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। पहले तो आप भी जरा इस वीडियो की झलक देख लीजिए। इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के करीबी सहयोगी जयंत सिंह ने एक असहाय लड़की पर हिंसक हमला किया है। जाहिर है पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार होना मानो आम बात हो गई हो। हर दिन महिला से मारपीट बदसलूकी के वीडियो सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी चुप्पी साधे बैठी हैं, जो कि खुद एक महिला है। फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। हम फिलहाल बढ़ेंगे अपनी पहली खबर और रिपोर्ट की ओर। लोकसभा चुनाव का रण खत्म हो गया है और अब बारी है यूपी में उपचुनाव की। जी हां, उत्तर प्रदेश में खाली पड़ी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा होनी है। पहली बार इतनी ज्यादा सीटों पर एक साथ उपचुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। जहां लोकसभा के चुनावी नतीजों ने बीजेपी को ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में लंबा वक्त लग जाएगा, वहीं अखिलेश यादव को जीत का स्वाद चखने में 12 साल और 4 चुनाव लग गए। इस जीत के साथ अखिलेश और उनका गठबंधन बेहद उत्साहित है। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन दोनों गठबंधनों ने अपने अपनी तैयारी करके कमर कसनी शुरू कर दी है। जहां लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी और इनके प्रमुख अखिलेश यादव का ध्यान पीडीए के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने पर है, तो वहीं सूबे की सत्ता पर काबिज
भारतीय जनता पार्टी के सामने उपचुनावों में जीत के साथ साख बचाने की चुनौती होगी। इन उपचुनावों में दलित मतदाता के कई फैक्टर साबित हो सकते हैं। बीजेपी और सपा दोनों ही दल मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं उपचुनावों से दूरी बनाए रखने वाली मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी भी इस बार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। आपको बता दें कि यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें फूलपुर, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, मंचवा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अयोध्या की मिल्कीपुर, मैनपुरी की करहल, अम्बेडकर नगर की कटेरी, मुरादाबाद की कुंद्रकी और कानपुर की सीसा मऊ सीटें शामिल हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 सीटों पर 2022 के चुनाव में सपा के उम्मीदवार जीते थे। बीजेपी के पास 3, निषाद पार्टी के पास 1 और जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल के पास 1 सीट थी। वहीं इस उपचुनाव में विकास और स्थानीय समस्याओं के साथ ही उपचुनावों में संविधान और आरक्षण का मुद्दा भी छाए रहने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने को लेकर उंगलियां सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर उठ रही हैं। योगी सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठे तो ये भी कहा गया कि ब्रांड योगी की वैल्यू अब कम हो गई है, इसीलिए सीएम योगी के पास उपचुनाव में अपनी सीटें बचाए रखने के साथ विपक्ष की जीती सीट हासिल करना ये सब साबित करने का मौका है कि यूपी की जनता के बीच उनकी चमक फीकी नहीं पड़ी है। आज भी उनका क्रेज प्रदेश की जनता के बीच बरकरार है, इसीलिए ऐसे इस उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अगर कमजोर रहा तो पार्टी के भीतर विरोध के स्वर और तेज हो सकते हैं। सीएम योगी को भी इस बात का ध्यान होगा। देखा जाए तो यूपी की 10 सीटों का उपचुनाव कांग्रेस के नजरिए से काफी अहम है। उपचुनावों को सपा कांग्रेस गठबंधन के भविष्य के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस के किसी सीट से उम्मीदवार उतारने की संभावनाएं कम ही है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी की कोशिश होगी कि उपचुनावों के बहाने यूपी के दो लड़कों की जोड़ी और मजबूत हो, इंडिया ब्लॉक के वोट बेस का और विस्तार हो। खैर, इस उपचुनाव में भाजपा अपना खोया हुआ जनाधार वापस ला पाती है कि नहीं, और इंडिया गठबंधन भी लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी कोई कमाल कर पाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खैर, इसी के साथ हम खबर अब तक की अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद आज दूसरी बार रायबरेली पहुंचे, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बचरावा के चुरवा हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद संसदीय क्षेत्र में पदाधिकारियों और विभिन्न संगठनों से मुलाकात के बाद वो शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से मिले, जहां मुलाकात के बाद कैप्टन अंशुमान की मां ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार यानी आज अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। विपक्ष का नेता बनने के बाद कांग्रेस नेता का ये पहला संसदीय क्षेत्र का दौरा है। इस दौरान उन्होंने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और उनकी मां मंजू सिंह से मुलाकात की। ये परिवार यूपी के देवरिया का रहने वाला है। शहीद अंशुमान को बीते दिनों राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र मिल चुका है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बाहर निकली शहीद कैप्टन अंशुमान की मां मंजू ने राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। इस पर राहुल ने उन्हें कहा कि लड़ाई लड़ते रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए शहीद की मां ने कहा कि राहुल गांधी से मिलने के बाद लगा कि वो फौजियों को लेकर बहुत गंभीर हैं और उनके बारे में सोचते हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह ने पारिवारिक जानकारी देते हुए कहा कि शहीद अंशुमान उनके बड़े बेटे थे, अभी उनकी एक बेटी और बेटे छोटे हैं जो पढ़ रहे हैं। मंजू सिंह ने बताया कि राहुल गांधी को उन्होंने कीर्ति चक्र हासिल करते समय राष्ट्रपति भवन में देखा था। मैं उनके लिए आगे पीपी चल रहा था भाई, तुम लोग ने अरे रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ भैया, कट ले लो। माँ का जो राइट बनता है वो जो फौज का रूल है, जो फौज में रूल है वही हो रहा है, कोई अलग नहीं है। किसी के साथ कोई दो तरह का नहीं है, पर ये है कि आगे रूल कुछ और हो जाए जो माँ बाप खाली करते हैं। आपको लगता है ये अग्निवीर जो योजना है वो बिल्कुल नहीं है? मैं उस पर भी डिस्कस करके आई हूँ कि मुझे क्योंकि मैं हस्बैंड फौज से ही रिटायर हुए हैं, बेटा भी फौज में ही गया था, तो उस पर भी मैं चर्चा की हूँ कि ऐसे फौज में ना हो कि 4 साल और उनको पेंशन ना, जो भी फैसिलिटी है इक्वल होना चाहिए। मैं इस पर भी डिस्कस करने आई थी, मुझे मौका मिला तो फौज के लिए मैं बहुत कुछ चाहती हूँ कि उम्मीद है कि साहब अगर उस अहदे पे बैठेंगे आगे या विपक्ष में भी बैठे हैं
तो मुझे पॉजिटिव मिला कि वो कुछ करेंगे। आपने भी राजनाथ सिंह का जिक्र कर रही थी। वहाँ भी मैं मिली, वहाँ भी पॉजिटिव मिला कि करेंगे और कर रहे हैं, वो तो एक साल से कर ही रहे हैं। क्योंकि 19 जुलाई 2023 को मेरे बेटा शहीद हुए थे, तब से उन्होंने ही कर रहा है। जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें वो मिलता है, जो भी हम चाहते हैं वो एकदम ये नहीं कि डिनाई हो जाता है, वो होता है। अभी भी जो भी हम किए हैं वो दे रहे हैं, चाहे योगी जी या राजनाथ जी, पॉजिटिव ही मिलता है। बच्चे एक सवाल ये पूछना था कि आज राहुल जी से मिलने की वजह, मतलब आप लोग चाहती थी या राहुल जी चाहते थे? मैं इमोशनली थी वहाँ, मैं सोची राष्ट्रपति भवन में, तो मैं उनसे बोली मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्योंकि उनका जब भी मैं स्पीच देखती हूँ सदन में, मैं बहुत सदन ये सब फॉलो करती हूँ न्यूज में, तो मैं मुझे मन कर रहा था कि अगर सामने है तो मैं थोड़ा बात करूँ। और तो उन्होंने सीधा बोला अभी तो टाइम नहीं है पर आप नंबर दे दो। तो उस दिन से मुझे बार बार कॉल हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा और भी कहीं गई थी तो हमें बुलाया गया। और ये रिस्पेक्ट सर आंखों पे, बहुत बहुत धन्यवाद से हैं। और मंच से तो वो बोलते ही रहते हैं शहीदों के लिए, फौज के लिए, लेकिन बाहर से जब उन्होंने बात की तो क्या प्रतिक्रिया थी राहुल जी? जैसे एक भाई बात करते हैं, एक माँ से बेटा बात करता है ना, वैसे बात की है। इसलिए मैं और भी इमोशनल हुई थी, लग ही नहीं रहा था कि इतने बड़े पर्सन से मैं मिलने आई हूँ। फौज को लेकर के उनके मन में क्या होता है ये? फौज के लिए अग्निवीर की बहुत बात करते हैं। हाँ, अग्निवीर के लिए वो बोल रहे हैं एकदम 100%। वो अगर वो विपक्ष में भी हैं तब भी वो तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, अगर पक्ष में आएंगे तो वो कुछ ना कुछ करेंगे और बेहतर करेंगे, जो कि थोड़ा डाउन है फौज का। तो फौज को लेकर के क्या है उनके मन में, क्या है वो? ज्यादा फौज का ही बात डिस्कस की है, क्योंकि वो फौज के ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। मैम आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे, और जो बड़े बेटे थे अंशुमान सिंह, ये सबसे बड़े। जी जी, अभी दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, बेटी है वो BDS कर रही है और बेटा MA कर रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर है। आपका नाम क्या है? मंजू सिंह। आपको बता दें कि अभी हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने एक बड़ी आग की घटना में कई लोगों को बचाने के लिए असाधारण बहादुरी और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था। जाहिर है कैप्टन अंशुमान सिंह UP के देवरिया के रहने वाले थे। 19 जुलाई 2023 को 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर में अंशुमान सिंह ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। वो पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के कैप्टन थे। सियाचिन में अपने साथियों की जान बचाते हुए शहीद हो गए। सरकार ने उनकी वीरता और शहादत को देखते हुए मरणोपरांत उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। उनकी शहादत वाकई पूरे देश के लिए किसी गर्व से कम नहीं है। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक बार उन खबरों पर नजर डालते हैं जो आज चर्चा का विषय बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस से अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान मॉस्को में अननोन सोल्जर्स के टॉम्ब पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। वहीं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है जिनके निर्माण लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अप्रैल में निलंबित कर दिए थे। वही मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन केस में पुलिस को 3rd दिन बड़ी कामयाबी मिली। महाराष्ट्र के विरार से पुलिस ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया है। मिहिर शाह वही शख्स है जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद एक महिला की जान चली गई थी। वही हाथरस भगदड़ कांड में SIP रिपोर्ट पर योगी सरकार ने बड़ी कार्यवाही कर दी है। प्रशासन ने SDM समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़े और अंतरराष्ट्रीय किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक बड़े अस्पताल की महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो थी खबरें अब तक की आज हमारी खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा जाते जाते आपको एक खास मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। केंद्र में 3rd बार मोदी सरकार बन गई है, लेकिन इस बार भाजपा अकेले दम पर बहुमत हासिल
नहीं कर सकी है। इसके पीछे कई कारण हैं, उन्हीं में से एक है महंगाई। जी हां, देश में बीते कुछ समय से महंगाई का स्तर काफी हद तक बढ़ा है। यही कारण है कि पिछले दो कार्यकाल के मुकाबले तीसरी बार के कार्यकाल में भाजपा को कम जनादेश मिला है। पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो मोदी के शासन काल में भारत के लोगों की शुद्ध बचत में भारी गिरावट आई है, जबकि खर्च में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि उनकी सरकार के अधीन काम करने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2024 बोल रही है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले एक दशक यानी कि मोदी युग में न केवल लोगों की शुद्ध बचत घटी है, बल्कि इसी बीच आई वैश्विक कोरोना महामारी के चलते भी लोगों की बचत में गिरावट आई है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की सकल बचत दर तकरीबन 30% थी, जबकि 10 वर्षों का औसत प्रतिशत तकरीबन 40% रहा। वहीं आम लोगों के खर्चों में लगातार बढ़ोतरी के चलते शुद्ध रूप से वित्तीय बचत में काफी गिरावट आई है। अगर मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के औसत के हिसाब से भी देखा जाए तो जीडीपी में शुद्ध बचत की हिस्सेदारी केवल 3% से भी कम हो गई है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक दशक पहले के 8% से घटकर ये 2022-23 में तकरीबन 5% पर आ गई है, जो चिंता की बात है। इस स्थिति से परेशान आम लोगों ने सरकार की इंजन पार्टी यानी कि जो डबल इंजन की बात कही जाती है, भाजपा की संख्या पर बल दिया है, ताकि वो अपने मित्र दलों की सलाह भी सुने। इसीलिए अगर अब भी सरकार जनभावनाओं को दरकिनार करके चलेगी तो हो सकता है कि जनता उसके नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को ही सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दे। इसीलिए मोदी सरकार के लिए ये बात किसी रेड फ्लैग से कम नहीं है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते आपके लिए पेश है आज का सुविचार। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है।